लगभग 25 साल अमेरिका में रहने के बाद सागर अपने नाना गोपाल कृष्ण और नानी अहिल्या के घर आया था। उसके नाना गोपाल कृष्ण स्कूल के रिटायर्ड टीचर थे। सागर जितना अपने नानी घर घूमने के लिए एक्साइटेड था, उससे कहीं अधिक उसके नाना जी उसे गांव घुमाने के लिए एक्साइटेड थे। एक ही दिन में नाना जी ने उसे आधा गांव घुमा दिया। इसी क्रम में नाना जी उसे गांव में ही एक ऐसी जमीन के पास ले गए जो बिल्कुल खाली थी, लेकिन जमीन के चारों ओर बाउंड्री थी। वहाँ एक बड़ा सा गेट भी लगा हुआ था और उस पर लिखा था, यहाँ जाना मना है। नानू, ये यहाँ किस बुद्धू ने लिख दिया है, यहाँ जाना मना है? ऐसा क्या है यहाँ? ये पूरी जमीन तो खाली पड़ी है। तू सवाल बहुत करता है, जो लिखा है सही लिखा है। क्या नानू, मैं तो जाऊंगा। सुन, तू पूरे गांव में जहाँ जाना चाहता है जा, जहाँ घूमना चाहता है घूम, लेकिन कभी इसके अंदर जाने की सोचना भी मत। अब चल यहाँ से। सागर के नाना गोपाल कृष्ण उसे वहाँ से वापस तो ले आए, लेकिन उसके दिमाग में तो वही जमीन घूम रही थी। क्या हो सकता है सागर, उस जमीन में कोई भूत भूत का साया है क्या वहाँ? तू बिना पागल है, भूत भूत कहाँ होते हैं? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतना सोचना क्या, मानू को बिना बताए वहाँ चला जाता हूँ। आखिर सागर ने वही किया जिसके लिए उसके नानू ने मना किया। वो चुपचाप उस जमीन के पास पहुँचा, लेकिन जैसे ही वो उस जमीन के गेट के पास पहुँचा, ये हवाएं, अचानक से ये हवाएं कैसे चलने लगी? मौसम तो बिल्कुल साफ है। ये दरवाजा कैसे खुल गया? वो ये सोच ही रहा था कि तेज हवा उसे धकेलते हुए अंदर लेकर जाती। अरे मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, ये हवाएं मुझे धकेलती हुई अंदर क्यों ले जा रही हैं? तेज हवाएं धकेलती हुई सागर को उस जमीन के बीचों बीच लगे पीपल के पेड़ के पास ले जाती है और उसे वहीं पटक देती है, जिससे उसका सिर पहले से वहां रखे एक पत्थर से टकरा जाता है और उसके सिर से खून की धार बहकर जमीन पर गिरने लगती है। अगले दिन सागर के नाना नानी उसे घर में ना पाकर परेशान हो जाते हैं। वो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वो उसी जमीन के पास पहुंचते हैं। वहां उस जमीन के बाहर अपने नाती को बेसुध पड़ा देख वो परेशान हो जाते हैं। वो दोनों उसे किसी तरह रिक्शे में लाद कर घर ले आते हैं, लेकिन सागर की तबीयत घर पहुंचने के बाद बहुत खराब होने लगती है। तेज बुखार से उसका शरीर जलने लगता है। उसके नाना जी एक डॉक्टर को बुलवाते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करते। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? अरे घबराने की कोई बात नहीं है गोपाल कृष्ण जी, आपका नाती अमेरिका से आया है तो यहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। ये कुछ गोलियां हैं एंटीबायोटिक की, बस इसे देते रहिए, कल तक फिट हो जाएगा। उसी दिन शाम के समय की बात है, सागर अपने कमरे में अकेला था। उसकी नानी बाहर सब्जी काट रही थी और नाना जी अखबार पढ़ रहे थे। तभी सागर की नानी को उसके कमरे से घुंघरू की आवाज आती है। कुछ देर में चूड़ियों की आवाज भी आने लगती है। अजी सुनते हो, तुम्हें सागर के कमरे से घुंघरू और चूड़ियों की आवाज आ रही है क्या? घुंघरू पायल, ये तू क्या कह रही है? लगता है बुढ़ापे में तेरे कान बजने लगे हैं, अंदर तो सागर सोया है। सागर के नाना जी ने अपनी पत्नी की बात काट तो दी, लेकिन दो दिन बाद सागर के कमरे से फिर से घुंघरू और चूड़ियों के खनखन की आवाज आने लगी। इस बार ये आवाजें गोपाल कृष्ण ने भी सुनी। उसने ये बातें अहिल्या को बताई। उस दिन मैंने कहा तो आपने मेरी बात हंसी में उड़ा दी, अब बोलिए आपके भी कान बुढ़ापे में बजने लगे हैं क्या? अहिल्या, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें सागर के कमरे में जाकर देखना होगा, आखिर ये आवाजें कैसे उसके कमरे से आ रही हैं? वो दोनों पीछे से छिप कर जाते हैं, सागर के कमरे में खिड़की से झांकते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं। वो देखते हैं कि सागर ने लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए हैं, लिपस्टिक लगा रखा है, माथे के बीचों बीच बड़ी सी बिंदी है, उसके बाल लंबे और खुले हुए हैं, उसने ही चूड़ियों और घुंघरू भी पहन रखे हैं और वो कमरे में नाच रहा है। ये हमारे नाती को क्या हो गया है जी? गोपाल कृष्ण की भी समझ में कुछ नहीं आता। वो उस समय तो कुछ नहीं कहते,
लेकिन अगले ही दिन वो दोनों सागर से इन सब चीजों के बारे में पूछते हैं। घुंघरू, चूड़ी, लड़कियों के कपड़े और मैं ये सब पहनकर डांस कर रहा था क्या नानू नानी आप भी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ देखिए तो मैं कहीं से भी लड़के लग रहा हूँ क्या आप लोगों को? सागर ने सारी बातों से इनकार तो कर दिया था, लेकिन उन आवाजों के आने का सिलसिला नहीं रुका। इसीलिए गोपाल और अहिल्या अपने गुरुजी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। गुरुजी बहुत पहुँचे हुए थे, उन्होंने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और उन्हें पल में सब पता लग गया। संकट, बहुत बड़ा संकट है गोपाल, मैं देख रहा हूँ तेरे घर में किसी का साया है, किसी अतृप्त आत्मा का। तो जल्दी चलिए ना हमारे घर, उस साये से मुक्ति दिला दीजिए ना मेरे नाती को, वो बेचारा बहुत परेशान है। आज नहीं, मैं इस पूर्णमासी को आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए ये ताबीज तुम दोनों बांध लो, और हाँ अपने नाती के लिए भी ये ताबीज ले जाओ और उसे बांध देना। उन दोनों ने तो वो ताबीज तत्काल बांध लिया, लेकिन सागर ने अंधविश्वास कहकर ताबीज बांधने से इनकार कर दिया। एक सप्ताह बाद ही पूर्णमासी थी, गुरुजी रात को वहाँ पहुँच गए और फिर अपना अनुष्ठान शुरू कर दिया। आ, आ तू, कौन है, कौन है, बता सबको तू कौन है, क्यों पकड़ रखा है तूने इसे, क्यों कब्जा कर रखा है तूने इस मासूम के शरीर पर, बोल, बोलती है कि नहीं तू, बोल, बोल। तभी वहाँ धुआं उठता है, सागर के शरीर से एक किन्नर बाहर निकलती है, वो जोर से ताली बजाते हुए कहती है, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं एक किन्नर हूँ, किन्नर, वो जमीन मेरी है जिसे देखने के लिए सागर वहाँ आया था, मैं उस जमीन पर किन्नरों की एक बस्ती बसाना चाहती थी, क्योंकि आपके समाज में तो हम किन्नर एक श्राप की तरह ही है ना, जिसे देखो वही हमारे बारे में अपशब्द बोलता है, दुत्कारता है, हम भी इंसान है ये कोई नहीं समझता, हमें भी उसी ईश्वर ने बनाया है ये कोई नहीं मानता, इसीलिए मैं चाहती थी कि उस जमीन पर हमारी दुनिया बसे, हम किन्नरों की दुनिया, जहां आपकी दुनिया की जैसे नफरत ना हो, जहां सिर्फ प्यार हो। ये कैसा प्यार है, तू एक मासूम को तंग कर रही है। आप लोगों ने मुझसे कौन सा प्यार किया, जानते हैं मैंने सपना तो देखा था किन्नरों की बस्ती का, लेकिन उसे बनाने में कई चुनौतियां थी, इस बीच यहाँ इलेक्शन होने लगे, मैंने सोचा कि मैं अगर चुनाव लड़कर जीत जाती हूँ तो मेरा सपना मैं आसानी से साकार कर सकती हूँ, लेकिन लेकिन क्या, लेकिन इस इलाके के एक नेता को ये बात नागपाल गुजरी कि उसके इलाके में उनके सामने चुनाव में कोई किन्नर खड़ी हो रही है, गुस्से में आकर उसने मुझे मेरी ही जमीन पर लगे पीपल के पेड़ के पास के रहने से मरवा दिया, मेरा सपना अधूरा रह गया, मेरा सपना अधूरा रह गया। लक्ष्मी की बात सुनकर सभी की आंखें भर आईं। कहीं कहीं वो नेता सूर्य प्रताप सिंह तो नहीं था? हाँ वही था, वही था वो, मुझे उससे बदला लेना है, जब तक मैं उससे बदला नहीं लूंगी आपके नाती के शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं सूर्य प्रताप को जानता हूँ, वो मेरा ही स्टूडेंट है, मैं अगर उसे तुम्हारे पास लाकर उससे माफी मंगवा दूँ तो क्या तू मेरे नाती को छोड़ देगी? देखो किसी को सजा देने का काम कानून का है, तुम कानून अपने हाथ में मत लो। लक्ष्मी उनकी बात मान गई। उसके बाद गोपाल सूर्य प्रताप के घर गए। सूर्य प्रताप ने अपने गुरुजी की खूब आवभगत की, लेकिन जैसे ही गोपाल ने अपने नाती को किसी आत्मा के चंगुल में होने की बात बताई तो क्या मास्टर साहब, ये आप कैसी अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये बात आपने हमें कितनी बार सिखाई थी और आज आप खुद ही ऐसी बातें कर रहे हैं। तब गोपाल सूर्य प्रताप को अपने साथ अपने घर चलने को कहता है। सूर्य प्रताप उनके घर जाता है। सूर्य प्रताप को देखते ही लक्ष्मी फिर से सागर के शरीर को छोड़कर अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखते ही सूर्य प्रताप डर से कांपने लगा। सूर्य प्रताप, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मार दूंगी, जान से मार दूंगी तुझे। लक्ष्मी, तूने वादा किया था तो कानून को हाथ में नहीं लेगी, इसे छोड़ दे, भगवान के लिए इसे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे लक्ष्मी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक शर्त पर मैं तुझे माफ करूंगी,
तू मेरा सपना पूरा करेगा, मेरी जमीन पर किन्नरों की बस्ती बसाएगा जहाँ वो भी सम्मान से जी पाएंगे। मुझे मंजूर है। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए जब तक ये बस्ती नहीं बनेगी मैं यही रहूँगी। तू मुझ पर भरोसा रख, मैं करूँगा तेरा सपना पूरा। जब तक तेरी जमीन पर बस्ती नहीं खड़ी होगी तेरा ये भाई चैन से नहीं बैठेगा। सूर्य प्रताप ने लक्ष्मी का सपना पूरा किया। उस जमीन पर किन्नरों के लिए बहुत ही सुंदर बस्ती बसाई गई, जिसका नाम रखा गया था लक्ष्मी निवास। लक्ष्मी की आत्मा ने देखा कि अब उसका सपना पूरा हो गया है, वहाँ एक सुंदर किन्नरों की बस्ती बस गई है। तब उसकी आत्मा उस जगह को छोड़कर अपने लोग खुशी खुशी चली गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।